हेलो सिक्स क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस वी आर रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम अवर एन इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन द नेम ऑफ द चैप्टर इज वंडर कॉल्ड स्लीप एक अजूबा जिसको नींद कहती हैं लेटर स्टार्ट द चैप्टर आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर अ गुड स्लीफ हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क रिकवर ठीक हो जाता है फ्रॉम फैटीग थकान से हमारा शरीर फिर से ठीक हो जाता है आफ्टर अ गुड स्लीप एक अच्छी नींद लेने के बाद वी ड्रीम वायर स्लीपिंग हम सपने लेते हैं जब हम स्लीपिंग सो रहे होते हैं बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स मगर हम हमेशा अपने सपनों को रिमेंबर याद नहीं रखते हैं ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर नींद के दौरान हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन हमारा तापमान और हमारा रक्तचाप कम हो जाता है नीचे चला जाता है वी नो एनफ अबाउट वट स्लीप इज हम हम काफी जानते हैं हम पर्याप्त मात्रा में ये जानते हैं कि नींद क्या होती है दो वी डू नॉट नो वट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप हालांकि हम सही सही नहीं जानते हैं कि नींद किस कारण से आती है स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट नींद एक आराम की दशा है एन अनकॉन्शियस रेस्ट एक ऐसा आराम जो कि अचेतन आराम होता है व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़ जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर थकान से ठीक हो जाता है जो कि दिन भर की एक्टिविटीज़ कार्यकलाप के कारण हमें होती है आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स एक अच्छी नींद के बाद और उस आराम के बाद जो कि नींद हमें देता है देती है वी बिकम अलर्ट हम सचेत हो जाते हैं एंड एक्टिव अगेन और हम दोबारा सक्रिय हो जाते हैं रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे और हम दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज सामान्य गतिविधियों के लिए तैयार हो जाते हैं वेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग जब हम सुबह जागते हैं इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वट हैड हैपन्ड वैन वी वर अस्लीप तो हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल संभव नहीं होता है कि हम टू रिमेंबर याद रखें वट हैप वेन वी वर अस्लीप क्या हुआ था क्या घटित हुआ था जब हम सो रहे थे वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस वी मे रिमेंबर अ ड्रीम हम किसी एक सपने को याद रख सकते हैं बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप मगर बाकी हमारी नींद एक प्रकार का अंधेरा होती है इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस जिसमें कुछ भी नथिंग कुछ भी घटित हुआ प्रतीत नहीं होता है सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वायल वी आर स्लीपिंग बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के साथ हैपन होती हैं जब वी आर स्लीपिंग जब हम सो रहे होते हैं एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप जैसे जैसे हम सिंक डूबते जाते हैं इन टू स्लीप जैसे जैसे हम नींद में गहराई तक और ज्यादा गहरे तक हम डूब जाते हैं अगर मसल्स रिलैक्स तो हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं निष्क्रिय हो जाती हैं मोर एंड मो ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं अगर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअ हमारे हार्ट बीट दिल की धड़कन स्लोअर और धीमी हो जाती है अबर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन हमारा तापमान और हमारी रक्तचाप कम हो जाती है द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन हमेशा सक्रिय रहने वाला मस्तिष्क भी स्लोज डाउन धीमा पड़ जाता है सो दैट वी कॉन्ट थिंक और एक्ट जिससे कि हम ना तो सो सकते हैं और ना हम कार्य करते हैं कॉन्शियसली सचेत होकर हम कार्य कर सकते हैं बट वी ड्रीम मगर हम सपने लेते हैं ड्रीम इज सपने लेना स्वप्न लेना वैन वी वेकअप जब हम वेकअप जागते हैं अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल तो हमारा तापमान और हमारी रक्तचाप बढ़कर सामान्य हो जाती है अब हार्ट बीट बीट एंड ब्रीदिंग हमारी दिल की धड़कन और हमारा श्वास ऑल्सो बिकम नॉर्मल वो भी नॉर्मल सामान्य हो जाते हैं एंड वी आर फुली अवीक और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं एंड हैव फॉर गॉटन मोस्ट और हमने ज़्यादातर अधिकतर हमने भूल दिया होता है इफ़ नॉट ऑल अगर हम सब चीज़ों को नहीं भूलते हैं द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग उन सपनों को जो कि हमने उस समय लिए थे जब हम वायल जब हम सो रहे थे अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड when वी आर asleep. नींद हमारे दिमाग की एक ऐसी गतिविधि होती है जो उस समय होती है जब हम अस्लीप सो रहे होते हैं ड्रीम्स हेल्प अ स्लीप थ्रू noise एंड अदर disturbances. डिस्टर्बेंसीज सपने हमें शोर में से और दूसरी परेशानियों में से सोने में हमारी मदद करते हैं ड्रीम्स मे रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स सपने में रिवील रिवील समथिंग सपने हमें बता सकते हैं अबाउट वंस प्रॉब्लम्स हमारी समस्याओं के बारे में समथिंग कुछ बातें बता सकते हैं बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर मगर स्वप्न भविष्य को नहीं बता सकते हैं वट इज अ ड्रीम स्वप्न क्या होता है इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड स्वप्न एक दिमाग की ऐसी गतिविधि होती है दैट टेक्स प्लेस जो कि घटित होती है वेन वी आर असलीप जब हम सो रहे होते हैं सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम प्रोबेबल कुछ बता सकते हैं वायल अदर्स आर नॉट जबकि दूसरे स्वप्न ऐसे नहीं होते हैं दैट ओनली मीन्स उसका यही मतलब है कि मैनी ऑफ द थिंग्स बहुत सारी चीजें दैट हैपन जो कि घटित होती हैं इन ड्रीम्स स्वप्न में कुड हैपन वो चीजें हो सकती हैं वेन वी आर अवेक जब हम जाग रहे होते हैं अवेक मीन्स जागना ड नॉट दूसरी चीजें नहीं हो सकती हैं ड्रीम सीम टू बी इंपॉर्टेंट स्वप्न आवश्यक लगते हैं सीम मींस प्रतीत होना तो स्वप्न आवश्यक प्रतीत होते हैं फॉर सेवरल रीजन्स कई एक कारणों से स्वप्न आवश्यक होते हैं वन इज दैट एक कारण ये है कि अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप फ्रो नॉयस और अदर डिस्टर्बेंसिस एक कारण इसका ये है कि स्वप्न हमारी शोर में से और दूसरी परेशानियों में से हमारी सोने में मदद करते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द अलार्म क्लॉक रिंग्स जब अलार्म वाली घड़ी बजती है बट आवर माइंड कॉजिज अस टू ड्रीम मगर हमारे दिमाग के कारण हमें ये सपना आता है कि द टेलीफोन और बेल इज रिंगिंग टेलीफोन की घंटी या फिर बेल दरवाजे की घंटी रिंगिंग बज रही है एंड दैट वी आर अवीक और इससे हम जाग जाते हैं एंड आंसरिंग इट और हम उसका उत्तर दे रहे होते हैं सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड कुछ एक डॉक्टरों ने ये पाया है दैट वंस ड्रीम्स ऑफन वील आर ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स की डॉक्टरों ने ये पाया है कि किसी व्यक्ति के सपने अक्सर ये बताते हैं अ ग्रेट डील बहुत ज्यादा बातें बताते हैं अबाउट वंस प्रॉब्लम्स किसी की समस्याओं के बारे में एंड दैट और इसलिए इफ अंडरस्टूड अगर उन सपनों को समझा जाए करेक्टली सही तरीके से उन सपनों को अगर समझ लिया जाए दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स वो वो सपने कैन प्रोवाइड हमें उपलब्ध करवा सकते हैं एक ऐसा उपाय की टू टू सॉल्यूशन हल करने का ऑफ दोज प्रॉब्लम्स उन समस्याओं का हल करने का उपाय हमें बता सकते हैं बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग मगर हमें एक बात याद रखनी चाहिए ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड सपनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एज अ वे टू टेल द फ्यूचर भविष्य को बताने के एक तरीके के रूप में सपनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर वो केवल मात्र कभी भी भविष्य को नहीं बता सकती हैं स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस नींद एक सबसे ज़्यादा होने वाला सामान्य अनुभव है मीन्स कि नींद जो है सबको आती है बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप मगर हम में से कितने हाउ मैनी हम में से कितने लोग रियली really थिंक सच में ये सोचते हैं उस आश्चर्य के बारे में एंड पावर ऑफ स्लीप और नींद की शक्ति के बारे में हम आ, कितना सो सकते हैं मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोइम्स अबाउट स्लीप कई कवियों ने सुंदर सुंदर कविताएं नींद के बारे में लिखी हैं हेयर इज वन यहाँ पर एक पोइम दी गई है इन विच जिसमें द पोइट इज डिस्क्राइबिंग कवि वर्णन कर रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलोइंग स्लीप नींद आने के अनुभव के बारे में वर्णन कर रहा है रीड इट अलाउड इसको जोर जोर से पढ़ो लाइट्स आउट आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप द अनफेदमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट Lose their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave. Leave alone, I know not how. लाइट्स आउट बतियां बुझ गई हैं ये पोइम है आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप मैं नींद की सीमा तक आ गया हूं मीन्स मुझे नींद आने ही वाली है द अनफेदमेबल डीप नींद एक ऐसा डीप समुद्र होती है जिसको मापा नहीं जा सकता है जिसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं फॉरेस्ट ऑल मस्ट लूज देयर वे नींद एक ऐसा जंगल है जहाँ पर सभी अपना रास्ता खो देते हैं हाउ एवर स्ट्रीट चाहे वो रास्ता हाउ एवर चाहे वो कितना भी स्ट्रीट सीधा रास्ता ना हो क्यों ना हो और वाइंडिंग या वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो मतलब नींद हमें सीधे से आती है या फिर बहुत मुश्किल से आती है सून और लेट जल्दी आती है या फिर देरी से आती है दे कैन नॉट चूज लोग जो है इस बात को नहीं चुन सकते हैं मतलब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती है कि नींद हमें जल्दी आएगी कि नींद हमें देरी से आएगी देर इज नॉट एनी बुक कोई ऐसी किताब नहीं होती है और फीस ऑफ डियर एस लुक या किसी का किसी सबसे प्रिय व्यक्ति का ऐसा चेहरा नहीं होता है that I would not turn, जिसको मैं सोने से पहले मतलब जब मुझे नींद आने वाली होती है जिसके बारे में याद नहीं करता हूं फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अनून उस अनजाने अनजानी जगह उस अनजानी निद्रा में जाने के लिए कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होता है जिसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ आई मस्ट एंटर जिसमें मैं जाने वाला होता हूँ लीव अलोन आई नो नॉट हाउ इस बात को छोड़ दो कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि किस तरह से मुझे नींद आएगी ये मुझे पता नहीं होता है दिस इज अ पोइम अबाउट स्लीप फॉलिंग स्लीप रिटन बाई एडवॉर्ड थॉमस एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में आ, कमेंट करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरि इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव एन आई स्ट